पिछले दिनों देश में बहुत कुछ हुआ, चाहे कोरोना की मार हो या मसला कोई और हो, लेकिन किसान आंदोलन टस से मस नहीं हुआ। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब अलग ही दिशा में जाता दिख रहा है। कुछ समय पहले किसान आंदोलन में एक युवती के साथ बलात्कार होने की खबरें आई थीं और अब वहीं एक शख्स को जिंदा जला देने का मामला भी आया है। तो क्या किसान आंदोलन की आड़ में ये जो हो रहा है वो ठीक है? दरअसल दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मुकेश नाम के किसान को शराब पिलाकर जिंदा आग के हवाले कर दिया गया ताकि उसे शहीद बनाया जा सके। मुकेश की मौत के बाद हरियाणा के झज्जर स्थित बहादुरगढ़ के अंतर्गत आने वाले कसार गांव में पंचायत हुई, जिसमें रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद थे। इसी पंचायत में मुकेश मुदगिल का बेटा राहुल भी पहुंच गया और सीधे सांसद के सामने बैठ गया। इसके साथ ही आपको बता दें, उसकी आयु केवल अभी 9 साल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने पंचायत से कहा कि आज फादर्स डे है, सभी बच्चे अपने पापा को याद कर रहे हैं, मुझे भी आज मेरे पापा की याद आ रही है। मेरे पापा ने कभी मुझे नहीं डांटा, मैंने कभी उनसे किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। आप बस इसका जवाब दे दो कि मेरे पापा को क्यों जला दिया। पंचायत में सन्नाटे के बीच सांसद शर्मा ने आश्वासन दिया कि दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि किसके कहने पर इतनी बड़ी तादाद में आंदोलनकारियों को हमारे घरों के बाहर बिठा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की वेश में जब गुंडे गांव की महिलाओं को परेशान करने लगे तो विवाद खड़ा ही होगा। गांव वालों ने उन सभी अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने आंदोलनकारियों की आड़ में अपराधियों को फ्री बिजली, पानी व और सुविधाएं दी हैं। उनकी भी जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल ने कहा कि 10 जुलाई को गाजीपुर बॉर्डर पर एकत्रित होकर किसान दिल्ली की ओर से हरिद्वार कूच करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के साथ ही उत्तराखंड में भाजपा के विरुद्ध चुनाव प्रचार करने की योजना भी है। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को फिर से धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार मानने वाली नहीं है, इसका इलाज करना ही पड़ेगा।